उत्तरकाशी एवलांच में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एडवांस बेस कैंप दुर्घटना स्थल पर अभी तक 19 शव बरामद किए गए हैं। गुरुवार देर शाम तक तीनों और पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए हैं। आज सुबह हर्षिल से दो हेलीकॉप्टर ने घटनास्थल की ओर उड़ान भरी। एडवांस बेस कैंप में तैनात रेस्क्यू टीम द्वारा लापता शेष 10 ट्रेनी की खोजबीन की जा रही है। आपको बता दें कि हिमस्खलन से हुए दरार से कुल 19 शव बरामद किए गए हैं। आज उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से शवों को मतले हेलीपैड तक लाने का प्रयास किया गया। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है, आईटीपीपी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, वायुसेना, सेना, एसडीआरएफ आदि की विभिन्न टीमों के कुल 30 लोगों को तैनात किया गया है। वहीं वर्तमान समय में द्रौपदी का डांडा क्षेत्र में मौसम खराब बना हुआ है, जहां पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि अभी भी मैनुअल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और शवों की खोजबीन का कार्य भी चल रहा है। अब तक टोटल 19 शवों को बरामद किया जा चुका है, 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 10 लापता पर्वतारोहियों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है, जिनकी खोजबीन आर्मी की स्पेशल टीम कर रही है। साथ ही जिन 4 लोगों का शव हर्षिल हेलीपैड पर लाया गया है, उत्तरकाशी के जिला अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि इनमें से 2 लोकल महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल और नवमी रावत हैं, जो की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। पर मैनुअल रेस्क्यू अभी चल रहा है। इसके अतिरिक्त एयरफोर्स के 2 चॉपर्स ने अभी दो बॉडीज, यानी कुल 4 बॉडीज को लेकर आए हैं। और ओरिजिनल प्लान था मातली लाने का, परंतु यह मौसम की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हर्षिल हेलीपैड में बॉडीज को उतारा गया है। वहां से उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है।